सिरमौर जिला में देर रात से बारिश का क्रम लगातार जारी है। सुबह से भारी बारिश के कारण हिमाचल राज्य को उत्तराखंड से जोड़ने वाला NH7 कालाअंब पांवटा साहिब, NH707 पांवटा साहिब शिलाई गुमा यातायात के लिए अवरुद्ध है। सड़क बहाली की कोशिश लगातार जारी है। भारी बारिश के कारण बाधित दोनों ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। NH07 आम वाला के समीप पेड़ गिरने के कारण, जबकि NH707 कच्ची ढांग के समीप भूस्खलन के कारण बाधित हुआ है। मीडिया से बात करते हुए DC सिरमौर सुमित खिमटा ने कहा कि बारिश को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया गया था और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। DC सिरमौर ने कहा कि भारी बारिश के चलते इस बार सिरमौर जिला में बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिला में राहत व बचाव कार्य लगातार जारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्टेट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है, उनकी तरफ से एक हाई अलर्ट और IMD की जो रिपोर्ट है उसकी तरफ से जो हमें इंटीमेशन आई है, हाई अलर्ट एक 23 से लेकर 25 तक किया गया है, जिसमें भारी बारिश और लैंडस्लाइड्स का अंदेशा है। और हमारे, जैसा कि आप जानते ही हैं कि काफ़ी इस बार ज़िला सिरमौर में नुकसान हुआ है, लैंडस्लाइड्स हुई हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, हमारे बिजली पानी और सड़क के जो विभाग हैं इनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। वो तो भी जो हमें DDMA की तरफ से रिपोर्ट आई है उसमें जो हमारा NH07 है तो इसमें एक पेड़ गिरा है और इसको हटाने का कार्य जो रिस्पेक्टिव जो हमारा नेशनल हाईवे है वो कर रहा है। बाकी PWD के SC साहब मेरे साथ ही अभी बैठे हैं तो इनसे मेरी चर्चा भी हो रही थी। तो हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स हैं वो अभी चालू हैं, बाकी जो हमारी NH है वो भी चालू हैं, थोड़ा कच्ची ढांक में इशू आ रहे हैं। सिरमौर जिला में देर रात से बारिश का क्रम लगातार जारी है। सुबह से भारी बारिश के कारण हिमाचल राज्य को उत्तराखंड से जोड़ने वाला NH7 कालाअंब पांवटा साहिब, NH707 पांवटा साहिब शिलाई गुमा यातायात के लिए अवरुद्ध है। सड़क बहाली की कोशिश लगातार जारी है। भारी बारिश के कारण बाधित दोनों ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। NH07 आम वाला के समीप पेड़ गिरने के कारण, जबकि NH707 कच्ची ढांग के समीप भूस्खलन के कारण बाधित हुआ है। मीडिया से बात करते हुए DC सिरमौर सुमित खिमटा ने कहा कि बारिश को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया गया था और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। DC सिरमौर ने कहा कि भारी बारिश के चलते इस बार सिरमौर जिला में बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिला में राहत व बचाव कार्य लगातार जारी है। लाइफ टाइम्स TV के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।